Yeah, little mama, you looking good. I see you on the plate with a player from the hood. Come holler at me, you got it like that. Big Snoop Dogg with the lead pussycat. शबोरी जापान में टाई एंड डाई की एक खास टेक्निक है जिसको पाकिस्तान में मुतारिफ कराने का सहरा दो बहनों आमना और मोमिना पर है। उन्होंने ना सिर्फ कपड़े को डाई खुद किया बल्कि इसको बहुत ही ग्लैमरस कट देकर ड्रेसेस भी डिजाइन किए। इसका मतलब है जापानीज आर्ट ऑफ टाई एंड डाई। तो जब मैंने उसका पूरा थीम पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी कलेक्शन में इसी शबोरी को लॉन्च करूं। और जो हमारा ब्रांड नेम है वो भी शबोरी ही है। और बेसिकली जो मेरी 90% कलेक्शन है वो शबोरी पे बेस करती है। और ये हम खुद टाई एंड डाई घर पे करते हैं। बेसिकली कोई ऑर्डिनरी डायर इसको नहीं कर सकता। शबोरी की वेस्टर्न एंड मॉडर्न लाइन का स्टिल शूट नामवर फोटोग्राफर अजीम सानी के स्टूडियो में हुआ। इस स्टिल शूट की मॉडल गेती थी जबकि स्टाइलिंग जेबी की थी। आज का जो शूट था वो अजीम सानी ने किया था और अजीम सानी पाकिस्तान के बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और मेरे फेवरेट हैं। और मुझे उनके साथ काम करके ज़्यादा यानी कि ईजी फील मैं करती हूँ। और जो ब्रांड था वो शबोरी था। इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे थे और बहुत स्टाइलिश थे। और इसमें जिनमें जंप सूट थे, शर्ट्स वगैरह थी, प्लाजोज थे। और जो नई जनरेशन है, जो लड़कियां यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेज़ की, वो काफ़ी लाइक करेंगी इन ड्रेस को। मैंने ड्रेसेस को देख के थोड़ा सा माइंड बना लिया था कि मतलब इसके साथ जो है वो ग्लैमरस लुक ही होनी चाहिए। और बड़ा अच्छा रहा शूट में, मेकअप वगैरह सब नीचे एवरीथिंग सारा कुछ बहुत अच्छा था। फैशन इंडस्ट्री में नए और यंग डिजाइनर्स का आना जहां नित नए ट्रेंड सेट कर रहा है, वहीं इंटरनेशनल और लोकल फैशन का जबरदस्त फ्यूजन भी देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मिराज के साथ मुकर्रम कलीम, सिटी 42, अजीम सानी स्टूडियो।